हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सर, क्लास 9 के फिजिक्स टीचर। इस बार कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम फिर जो है एक बार ऑनलाइन प्रोसेस से आपको फिजिक्स पढ़ाने का व्यवस्था करेंगे, जो नया सत्र 21-22 का सत्र सेशन है। इस सेशन में हम फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जो है फिजिक्स में मोशन वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों को इस कोरोना वायरस जो इतनी फैल रहा है, इस पे आपको स्पेशली कहेंगे क्योंकि आप लोग यंग हैं और इस यंग ब्लड में ये वायरस काफी फैल रहा है, इसलिए मेरी तरफ से आपको स्पेशल जो है कहा जा रहा है कि आप जो है मास्क लगाएं और घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, पॉकेट में हमेशा सैनिटाइजर रखें, है ना, और बिना वजह के घर से बाहर न निकले, है ना, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही खराब पोजीशन है अभी पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो स्वस्थ रहें, ढंग से रहें, ताकि उन्हें पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आइए चलते हैं हम फिजिक्स के फर्स्ट लेसन मोशन में। कहता है कि मोशन का कॉमन कैरेक्टर क्या है, कि ऑल मूविंग बॉडीज दे चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम। ऑल मूविंग बॉडीज विथ चेंज देयर पोजिशन विथ टाइम, इट इज कॉल्ड मोशन। जब कोई जितने भी बॉडीज है, अगर वो मोशन में है एक टाइम के साथ, अगर वो मोशन में रहता है ना, अपनी पोजिशन चेंज करता है, तो हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि ये मोशन में है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई कार है ना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में 2 सेकंड या 10 सेकंड लगता हो, तो टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उस कार का जो पोजीशन है, ए पोजीशन से पोजीशन बी तक पहुंच गया, तो ऐसी स्थिति में हम इस कार को कहेंगे कि कार मोशन में है, है ना। अब रह गया किसको लिखें कैसे, तो आइए हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज मोशन? मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। कहता है बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, बॉडी जो है मोशन में तभी कहेंगे जब वो कंटिन्यूअसली जो है अपनी पोजिशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो स्थिर कोई वस्तु है उसको देखते हुए कि वो जो स्थिर वस्तु है वो हमसे क्रॉस कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है। अगर वो हमसे वो क्रॉस कर जा रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे पेड़ हुआ, पहाड़ हुआ, मकान हुआ, जो स्थिर ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है अगर पास कर जा रहा है ना, ऐसे रेफरेंस प्वाइंट को लेकर, है ना, अगर वो कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है मोशन में है। अब यहाँ पे देखिए कि कार ए पोजीशन पे है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो मान के चलिए कि पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ को क्रॉस कर रहा है, पेड़ को देखते हुए ये क्रॉस कर जा रहा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखते हुए, और ए पोजीशन से बी पोजीशन जो है टी सेकंड में, यानी 10 सेकंड में टाइम जो है, टाइम टेकन इसका 10 सेकंड होता है, और ए पोजीशन से बी पोजीशन में है चला जाता है, तो हम कहेंगे कि कार मोशन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोशन जो है 3 टाइप का है, जिसे हम मोशन जो है 3 टाइप से, पहला तो मोशन जो है ये 3 टाइप का है, जिसे हम आसानी से ऑब्जर्व करते हैं और जिसे
आसानी से हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे फेयरली फास्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है बहुत फास्ट पोजीशन में चलेगा तो आप उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मोशन में है, जैसे मूविंग कार या सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड को जो फास्ट मूव करता है उसको आप आसानी से बता सकते हैं कि ये मोशन में है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो स्लोली चलता है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसी तरह से वेरी स्लोली। जैसे मान के चलिए जो मून, मून जो है आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर मोशन में स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है, मोशन में आता है, लेकिन उसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड के बाद देखेंगे कि यहाँ था, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, दूसरे जगह पे चला गया, है ना। उसी तरह से धीरे धीरे वो जाके सूरज का भी वही पोजीशन है। तो जो वेरी स्लोली है, उसी तरह से हावर्स हैंड या मिनट हैंड को तो स्लोली में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन वेरी स्लोली में हावर्स हैंड है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मोशन में होता है ना। तो मोशन जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जो फेयरली फास्ट हो। जैसे आप कोई व्यक्ति चल रहा हो रोड पे, उसको हम आसानी से ऑब्जर्व करते हैं कि ये मोशन में है। कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, ट्रक है, साइकिल है, ये जितने चीज है, टेम्पो है, ये सब को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं क्योंकि वो फेयरली फास्ट पोजीशन में मूवमेंट करता है, इसलिए हम उसका मोशन ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका मोशन जो है वेरी स्लोली होता है, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसका डायरेक्शन जो है हम देख लेते हैं कि ये अभी इस पोजीशन पे था, अभी कुछ देर के बाद इस पोजीशन पे आया, है ना। जिस तरह से हावर्स हैंड, कभी 11 बजा, कुछ देर के बाद 12 बजेगा, तो हम 11 से 12 के बीच का जो मोशन है उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम मोशन को हम जो है तीन टाइप में हम बताएं, फेयरली फास्ट, स्लोली, वेरी स्लोली, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे मोशन को अगला पॉइंट लेकर। थैंक यू।